Hello friends, today my topic is Arrhenius' concept of acid and bases. So the Arrhenius' concept of acid and bases given by this gentleman named as 7th Arrhenius. In 1884, 7th Arrhenius gave the modern definition of acid and bases. He also got Nobel Prize in 1903. According to Arrhenius, Arrhenius acid is a substance which dissociates in water to form hydrogen ion. Simply, जो substance water के अंदर H positive ion release कर देगा, वो substance Arrhenius acid कहलाता है. This causes protonation of water or the creation of hydronium ion. Simply, जब कोई species water के अंदर H positive ion release करेगी, तो hydronium ion की formation automatically हो जाती है. So examples जो है Arrhenius acid के, जैसे कि HCl. जब HCl की रिएक्शन आप वाटर के अंदर देखेंगे तो ये डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस H पॉजिटिव HCl इज कॉल्ड Arrhenius एसिड. अगर आप नाइट्रिक एसिड की बात करें तो वाटर के अंदर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन होती है H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव. नाइट्रिक एसिड वाटर के अंदर H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड कहलाता है Arrhenius एसिड. नेक्स्ट हम Arrhenius बेस. Arrhenius base that are substance which dissociate in water to form hydroxide ion. जो substance water के अंदर OH negative release कर देंगे वो substance कहलाते हैं Arrhenius base. For example, NaOH sodium hydroxide. जब आप sodium hydroxide की reaction water के अंदर देखेंगे तो ये Na positive और OH negative में break होता है. Due to this OH negative, NaOH is called Arrhenius base. नेक्स्ट एग्जांपल KOH. KOH के जब आप वाटर के अंदर रिएक्शन देखेंगे तो ये वाटर के अंदर K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है. इस OH नेगेटिव की वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है Arrhenius बेस कहलाता है. नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें MgOH ट्वाइस, तो वाटर के अंदर इसकी रिएक्शन होती है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. इस OH नेगेटिव की वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कहलाता है Arrhenius बेस कहलाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर के अंदर एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं. नाम से ही पता लग रहा है पॉली मीन्स मैनी एंड प्रोटिक मीन्स हाइड्रोजन. जो सब्सटेंस वाटर के अंदर एक से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन्स को रिलीज कर दे वो सब्सटेंस कहलाएंगे पॉलीप्रोटिक एसिड. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर के अंदर रिएक्शन देखें तो ये ब्रेक होता है एच पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव. ये स्पीशीज अगर आप फिर से देखें तो फिर से वाटर के अंदर डिसोशिएट होकर एच पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकती है. तो इस मैनर में जो H2SO4 है वो दो एच पॉजिटिव आयन वाटर को दे सकता है, इसलिए ये क्या कहलाता है पॉलीप्रोटिक. ये आप सिंपली इसको कह सकते हैं जो H2SO4 है वो क्या कहलाता है आपका डायप्रोटिक. हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4. अगर हम इसकी बात करें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के अंदर देखते हैं तो वो आपको मिलती है एच पॉजिटिव H2PO4 नेगेटिव. फर्दर ये स्पीशीज ब्रेक हो सकती है और ये आपको देगी एच पॉजिटिव HPO4 नेगेटिव. फर्दर दिस विल ब्रेक एंड दिस विल गिव यू एच पॉजिटिव, सॉरी यहाँ टू नेगेटिव आएगा, एच पॉजिटिव एंड PO4 थ्री नेगेटिव. इस मैनर में जो H3PO4 है वो आपको तीन एच पॉजिटिव दे रहा है, इसकी वजह से ये या तो कहलाएगा ट्राइप्रोटिक एसिड या आप सिंपली इसको कह सकते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड. नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ Arrhenius एसिड. Arrhenius एसिड इज रेस्ट्रिक्टेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ Arrhenius डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशन ओनली. दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ Arrhenius कॉन्सेप्ट, कि जो Arrhenius कॉन्सेप्ट था वो रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए. यह आप सिंपली कह सकते हैं जो आपका Arrhenius कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ वाटर से रेस्ट्रिक्टेड था. अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि वो स्पीशीज Arrhenius एसिड है या बेस है. नेक्स्ट
जैसे हम कुछ सब्सटेंस की बात करें, जैसे NH3 या CaO की अगर आप बात करें, तो ये सब्सटेंस वाटर के अंदर OH नेगेटिव नहीं देते, बट फिर भी ये सब्सटेंस जो है बेस कहलाते हैं। सेम वे में अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सब्सटेंस जो है वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिड के रूप में जानते हैं। तो अरेनियस कॉन्सेप्ट जो था इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही थी अरेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। कुछ अगर क्वेश्चंस देखें हम कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अरेनियस एसिड बताने हैं, अरेनियस बेस बताने हैं, और नाइदर, जो ना तो अरेनियस एसिड की कैटेगरी में आता हो ना ही अरेनियस बेस की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल KH, ये हम पीछे भी करके आए हैं। तो KH की जब आप वाटर में रिएक्शन देखेंगे तो ये ब्रेक होता है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ड्यू टू दिस OH नेगेटिव ये क्या कहलाएगा? अरेनियस बेस कहलाएगा। सेम वे में अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये भी अभी हमने किया था, H2SO4 के जब आप वाटर में रिएक्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो इस H पॉजिटिव की वजह से वाटर के अंदर H पॉजिटिव जो स्पीशीज देती है वो क्या कहलाती है? आपकी अरेनियस एसिड कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें C2H6, ये वाटर के अंदर ना तो OH नेगेटिव को रिलीज कर रहा है ना ही H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, तो अरेनियस कॉन्सेप्ट जो है इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ना तो ये अरेनियस एसिड है और ना ही अरेनियस बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी सेम बताने हैं हमें, अरेनियस एसिड, अरेनियस बेस और नाइदर, C6H12O6। तो वाटर के अंदर C6H12O6 ना तो OH नेगेटिव रिलीज करता ना ही H पॉजिटिव रिलीज करता, तो अरेनियस एसिड इसको नहीं बता पाया, तो ये नाइदर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें HNO2, तो वाटर के अंदर इसकी रिएक्शन जब आप देखते हैं तो ये ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। ड्यू टू दिस H पॉजिटिव HNO2 इज कॉल्ड अरेनियस एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज BaOH2, जब आप BaOH2 की रिएक्शन देखेंगे वाटर के अंदर तो आपको मिलेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो BaOH2 जो है वाटर में OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? अरेनियस बेस कहलाएगा। तो अभी हमने पढ़े अरेनियस एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, या सिंपली आप कह सकते हैं जो वाटर के अंदर एच पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, और अरेनियस बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और नई वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।